जनसभा में शामिल हुए सभी छात्र छात्राओं और हमारे शिक्षक और इस सभा को संचालन कर रहे मूली पढ़ा के पदाधिकारी सुशील उराव जी, आपको अवसर देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज दुर्भाग्य है कि ये अनुसूचित क्षेत्र होते हुए भी, जनजातीय क्षेत्र होते हुए भी, हम लोगों को आंदोलन करने के लिए मजबूर हैं। हमारा सरकार, हमारा विधायक, हमारा संसद, इसके बावजूद भी हर चीज के लिए जब हम आंदोलन करेंगे तो ही मिलेगा। तो विधायक और संसद क्या कर रहे हैं? आज इस क्षेत्र में, पूरे देश भर में, पूरे झारखंड में हिंदी पढ़ाया जाता है, संस्कृत पढ़ाया जाता है। आज सभी स्कूल में संस्कृत भाषा पढ़ाया जा रहा है। हम पूछना चाहते हैं, जो सर्वे करके दिए हुए हैं, कि आप बताइए कि कितने लोग संस्कृत बोलने वाले हैं? संस्कृत में ना जनजातीय का पूजा पाठ है, संस्कृत में ना हमारा रीति रिवाज है, ना संस्कृत में हमारा कोई कल्चर सिस्टम है। इसके बावजूद भी संस्कृत पढ़ाया जाता है और हमारा जनजातीय भाषा, उरा भाषा, मुड़ारी भाषा, संथाली भाषा, इसको गौण किया जा रहा है। ये सरकार के द्वारा और शासन प्रशासन में बैठे लोग ये षड्यंत्र कर रहे हैं कि हम लोगों को मिटाने का प्रयास कर रहे हैं। अगर किसी भी समाज को मिटाना है तो उसका भाषा खत्म कर दो, संस्कृति खत्म कर दो, रीति रिवाज खत्म कर दो। उसको मारने पीटने का जरूरत नहीं है, वो समाज स्वतः खत्म हो जाएगा। तो ये सिर्फ भाषा के आधार पर नियुक्ति करने का, शिक्षा देने का ही मामला नहीं है। ये हम लोगों को समूचे इस जनजातीय क्षेत्र को, शिडोल एरिया को, पांचवें अनुसूचित क्षेत्र को खत्म करने का षड्यंत्र है साथियों, इसको समझना पड़ेगा। मांगने से भीख नहीं मिलता है, अधिकार कैसे मिलेगा? हम लोगों को आंदोलन इससे भी बड़ा करने का जरूरत है और आने वाला समय में हम लोग आंदोलन करेंगे। अगर इतना में मान लिया, आज धरना प्रदर्शन है, इसमें मान लिया तो ठीक है, नहीं तो रैली, और नहीं तो हम लोग झारखंड बंद भी करने के लिए आप लोग तैयार रहिए। तैयार है? अगर तैयार है तो आज से ही तैयारी करना पड़ेगा। ये हम लोग भीख नहीं मांग रहे हैं, ये हमारा अधिकार है, हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। ये अनुसूचित एरिया है, जनजातीय बहुल एरिया है, आपको जनजातीय भाषा का लागू हरेक विद्यालय में करना होगा, प्राथमिक विद्यालय से लेकर हमारे स्नातक तक सभी में अनिवार्य रूप से लागू करना होगा। और इसके लिए सरकार ऐसा ही लागू करने वाला नहीं है, ये हमारे सरकार नहीं है। आज हमारे संसद विधायक है लेकिन हमारा नहीं है, ये लोग केचुआ है। केचुआ जिस प्रकार मछली को बझाने के लिए केचुआ का इस्तेमाल करते हैं, इसी प्रकार तमाम तरह के पार्टी हमारे उड़ान लोगों को, हमारे आदिवासी लोगों को टिकट देकर और उनको संसद में भेजकर हमारे विरोध में ही कानून पास करवाया जा रहा है, हमारे लोगों को ही खत्म करने का षड्यंत्र किया जा रहा है। ये लोग पिट्ठू हैं, संसद विधानसभा में लोग बोलते नहीं है, और नहीं बोलेंगे तो आने वाला समय में इन लोगों से सवाल पूछना पड़ेगा और एग्रीमेंट लेना पड़ेगा। जब तक ऐसा नहीं करेंगे, ये लोग हमारे बात को, हमारे आवाज को उठाने वाले लोग नहीं है। आज समूचे भारत में
उसका कोई समस्या नहीं है, होना चाहिए। इसके बावजूद भी आज सबसे ज्यादा हमारा ही समस्या है। ये सिर्फ भाषा का ही मुद्दा नहीं है, और भी समस्या है इससे बड़ा बड़ा। इसलिए आप सभी लोगों को सजग रहिए, जागरूक रहिए और आंदोलन के लिए तैयार रहिए। जब भी कोई चीज हासिल होगा तो आंदोलन के बदौलत ही होगा। इन लोग आंदोलन का ही भाषा समझते हैं, ये लोग ऐसे मांग करने की भाषा नहीं समझेंगे। इसलिए साथियों, सभी छात्र छात्राओं से, सभी माता बहनों से, भाइयों से, नौजवान साथियों से मैं कहना चाहता हूं कि आप लोग सजग रहे, जागरूक रहे। आने वाला समय में हम लोग झारखंड बंद भी करेंगे। तैयार हैं आप लोग? तैयार है तो एक से समर्थन दीजिए कि हम लोग आने वाला समय में भाषा, संस्कृति, रीति रिवाज और इसके साथ में अभी 28 पूरे मतलब प्लस टू के लिए शिक्षक बहाली करना है, उसमें 28 में से मात्र 11 ही झारखंड का लिया हुआ है। तो ये भी बड़ा षड्यंत्र है साथियों। नीट पेपर में भी, जब नीट का एग्जाम हुआ उस समय भी पेपर लीक हुआ। इसलिए हमेशा षड्यंत्र चल रहा है, रोजी रोजगार से, भाषा संस्कृति से हमारा अनुसूचित एरिया को खत्म करने का हर तरह का षड्यंत्र चल रहा है। इसलिए आप लोगों को जागरूक और सजग रहना है। मैं